हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो नोटिफिकेशन और डिटेल है, जो टॉपिक है आपका यूपी कैटेट 2021 के काउंसलिंग के संबंध में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, गूगल क्रोम ओपन करने के पश्चात यहां पर हमको सर्च करना है यूपी कैटेट upcatet.org। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचा देगा और यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट देखिए खुल जाए। खुल जाने के पश्चात इसको आप डेस्कटॉप मोड में बना लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात आपको दिखेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन या लेटेस्ट न्यूज़, आपका जो भी है वो काउंसलिंग के संबंध में है। तो यहाँ पर हम इसको काउंसलिंग के संबंध में बात करेंगे। और रही बात एक नोटिफिकेशन, आपको ये बता दें कि जो भी ABM के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट थोड़े दिन रुक कर आता है। तो यहाँ पर दे रहा कुल सचिव कार्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा 2/9/2021, यहाँ पर देख सकते हैं आप दिनांक और पत्रांक संख्या भी दिया है और नोटिस क्या दिया है। नीचे आइए हम डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2021 में प्रबंधन क्या दिया है, एग्रीकल्चर बिजनेस के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु 7 सितंबर 2021 को प्रातः 10 बजे कुल सचिव कार्यालय मेरठ की सभा कक्ष में ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। समस्त सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दिनांक 7 सितंबर को 9 बजे कुल सचिव कार्यालय मेरठ में पहुंचने का कष्ट करें। अब यहां पर नोटिफिकेशन क्या आई है, संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2021 यूपी कैटेट 2021 का परिणाम एवं काउंसलिंग की तिथियों का विवरण जो है, तो परिणाम घोषित होने की तिथि जो है 31 अगस्त को थी, जो कि अच्छे अच्छे मार्क्स हम देखे हैं कि प्राप्त हुए काफ़ी अभ्यर्थियों के। तो इसकी जो कि प्रोसेस है, तो स्नातक BSc एग्रीकल्चर में जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी काउंसलिंग की तिथि या रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर चलिए बताते हैं आपको। सितंबर से 6 सितंबर 2021 रात्रि 11:59 तक आप काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपका सेकेंड ऑप्शन दे रहा है चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जैसे कि आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स फिशरीज, जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी चॉइस है पढ़ने के लिए, वो आपको रैंक के अकॉर्डिंग आप इसमें फिलअप कर दीजिए 3 से 7 सितंबर के बीच में। क्लियर। फिर नीचे दे रहा है सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित, आपका जो आपको साइट या मेल आपकी ईमेल चेक करते रहना है और जो रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। 14 सितंबर को आपको सीट आवंटन की प्राप्ति हो जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने की तिथि है 15 से 18 सितंबर। क्लियर। अब परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, तो आपका 16 से 20 सितंबर तक ये क्लियर हो जाएगी। क्लियर। फिर अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट री अपलोडिंग सुधार हेतु यदि कोई करेक्शन करना हो तो आप 15 से 21 सितंबर तक कर सकते हैं। क्लियर। अब नीचे दे रहा है फीस जमा करने की बात, तो फीस जमा करने की बात आपकी है तो इसमें सिक्योरिटी कितनी जमा करनी होती है, सिक्योरिटी फीस जमा करना होता है और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना पड़ेगा आपको ईमेल से। ईमेल आपको मैसेज आएगा, ईमेल में लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, क्रोम ब्राउजर से ओपन करिए, जो भी आप काम करिए क्रोम ब्राउजर से ही करिए। इसकी जो फीस होती है काउंसलिंग की, तो वो होती है आपकी मात्र ₹500 इसकी फीस होती है। क्लियर। और सेमेस्टर की जो फीस होती है, सेमेस्टर की फीस आपका 25,000 ₹25,000 पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस होती है। और जिसमें रिफ़ंड आपको कितना होता है, तो रिफ़ंड 25,000 आपको एक वर्ष में यहाँ पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर
फॉरेस्ट्री, फिशरीज की फीस लगती है, जो कि आपको स्कॉलरशिप के रूप में कितनी प्राप्त होती है, तो आपको स्कॉलरशिप के रूप में आपका 50,000 फीस लगा और 50,000 आपको स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त हो गया। इसमें आपको बस ओनली मिस और सिक्योरिटी फीस, अन्य फीसें हैं जो बस जमा करना रहता है। सिक्योरिटी फ़ीस आपको BSc फोर्थ ईयर में आप जब पास आउट करेंगे यहाँ से, तो सिक्योरिटी से जो आपको फाइन लगा होगा वो कट कर वापस आपको प्राप्त हो जाता है। क्लियर। फिर आपकी जो द्वितीय काउंसलिंग की बात करते हैं, द्वितीय काउंसलिंग आपका है जो 27 से 29 सितंबर के बीच में है। 27 सितंबर से आपकी द्वितीय काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर चॉइस फिलिंग की 27 से 30 सितंबर, और सीट आवंटन की बात हुई तो 5 अक्टूबर 2021 तक होगी। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की डेट है 6 से 8 अक्टूबर के भी मध्य। इस डेट पे आप सभी कार्यरत रहिए और ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार नोटिस करते रहिए, देखते रहिए, वहाँ ईमेल और मैसेज तो बिल्कुल ना भूलें इस डेट पर, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट आवंटन मिलेगी। जैसे सर्वप्रथम सभी लोगों को क्या चाहिए होता है, तो CSA यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग में होती है, और उसमें भी क्या चाहिए होती है आपको, एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आपको बता दें, CSA पिछली जब मेरठ ने 2017 में कराया था, तो जनरल की जो सीट थी वो आपका 49 पे फुल हो गई थी, जनरल की सीट। क्लियर। फिर लास्ट में जो आपका OBC की बात है, तो OBC का आपका फुल हुआ था 110 पर। क्लियर। और रही बात SC की, तो SC आपका फुल हुआ था 158 जो रैंक थी वो आपका 158 पे SC की सीट CSA में फुल हो चुकी थी। फर्स्ट काउंसलिंग की बात हो रही है। और यहाँ से आपको इस बार आपको सबसे बढ़िया सिस्टम ये प्राप्त हो रहा है कि इसमें अपग्रेड सिस्टम लगा दिया है। यदि आपको इसमें आपको अपग्रेड सिस्टम जो लगा है, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। जैसे कि मान लीजिए, यदि आपको NDA यूनिवर्सिटी आपको सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड काउंसलिंग में यदि आपको NDA यूनिवर्सिटी मिल गई, जैसे कि मान लीजिए आपका 500 रैंक है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको NDA मिल गया, क्लियर, फिर आप सेकेंड काउंसलिंग भी अटेंड करते हैं, तो जिसमें हो सकता है आपको CSA प्राप्त हो जाए, यूनिवर्सिटी भी अपग्रेड हो सकती है, सब्जेक्ट भी अपग्रेड हो सकता है, फीस जमा हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अपग्रेड सिस्टम ने ऐसा लागू किया है। ये कब किया है, 2018 में आपका किया है, 2017 में ऐसा कुछ नहीं था, 2018 में ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। क्लियर। चलिए, तो अब द्वितीय काउंसलिंग की डेट भी आपको सिक्योरिटी फीस जमा करने की तिथि 6 से 13 अक्टूबर। ये PDF आप प्राप्त कर लीजिएगा। कहाँ से? आपको एग्री क्लासेस 573 से आपको टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ये PDF प्राप्त कर लीजिएगा। क्लियर। पिछली बार स्नातक की तृतीय काउंसलिंग कब से है, तो 20 से 22 अक्टूबर की डेट में है, और इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग कब से है, जिसको हम कहते हैं फोर्थ काउंसलिंग। थर्ड काउंसलिंग के बाद एक और काउंसलिंग होती है, चौथी काउंसलिंग, जिसमें काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है तो उसके माध्यम से छूट जाते हैं, सेशन उनका बर्बाद हो जाता है। फोर्थ काउंसलिंग में क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए PH की सीटें, फ्रीडम फाइटर की सीटें, यूनिवर्सिटी एम्प्लाई की सीटें, ये जब सीटें सब बच जाती हैं तो इन सीटों को मर्ज करके पैड सीट कर दिया जाता है। पैड सीट में इन सीटों को कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे सभी अभ्यर्थियों को जो जिनकी रैंक थोड़ी ख़राब होती है वो पैड सीट लेकर पढ़ना चाहते हैं तो उनको आसानी से मिल जाता है। अब पैड सीट की बात करते हैं, जब 2017 में मेरठ कराई थी तो मेरठ के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, तो 728 से लेकर के, फोर्थ काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, 728 से लेकर के 1400 रैंक तक CSA के स्टूडेंट फ्री में आपको इनको सीट मिल गई थी। क्लियर। अब बात करते हैं 1800 से
हमने खुद अपने सामने देखा था, 1800 से लेकर 2200 रैंक तक NDUT और NDUT का कैंपस जो है आजमगढ़ कैंपस, वहाँ तक स्टूडेंट सीट अटेंड किए थे। फोर्थ काउंसलिंग अटेंड ज़रूर कीजिए, जिसमें जिनकी रैंक ख़राब होती है वो इंक्लूड हो करके इसमें सीट मिल सकती है, संभावना रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नातक की प्रथम काउंसलिंग जो है आपको जल्दी जल्दी बताकर PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो है स्नातक के बाद आपका आता है परास्नातक, MSc, जिसको हम PG के नाम से जानते हैं। क्लियर। PG की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन काउंसलिंग कब से कब तक है, 10 से 12 सितंबर के मध्य है। चॉइस फिलिंग की डेट है 10 से 13 सितंबर और सीट आवंटन और उसका परिणाम कि सीट आपको प्राप्त हुआ या नहीं ये 19 सितंबर को आपको पता चल जाएगा मेल द्वारा। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करना है तो 20 से 22 सितंबर तक करना है। जो करेक्शन करना है आपको तो वो 20 से 25 सितंबर के बीच करना है। फिर यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी फीस जमा होती है वो आपको 20 से 27 सितंबर तक जमा करना है। अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके उसमें डेट दिया होगा, जिस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में होना होगा उसी डेट पे करा लें। 2 दिन डेट आपको प्राप्त होती है, अलॉटमेंट से ज़्यादा 4 दिन आपको समय दिया जाता है, आप फीस कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लें। क्लियर। अब सेकेंड काउंसलिंग की बात करते हैं तो प्रश्नातक की जो सेकेंड काउंसलिंग है ये ऑफलाइन होगी, न कि ऑनलाइन। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है ऑफलाइन काउंसलिंग। ऑफलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 2 से 4 अक्टूबर के मध्य होगी और काउंसलिंग का डाउनलोड जो लेटर करना होगा आपको 5 से 11 अक्टूबर के मध्य करना होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 10 से 11 अक्टूबर में, ऑफलाइन काउंसलिंग 11 से 12 अक्टूबर के मध्य होगी। क्लियर। अब जो भी नोटिफिकेशन होगी आप नीचे PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिर अब आते हैं PhD की काउंसलिंग। PhD की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग की जो डेट है वो 10 से 12 अक्टूबर के मध्य है। क्लियर। और जब चॉइस फिलिंग की बात हो रही तो 10 से 13 अक्टूबर में आपकी चॉइस फिलिंग प्राप्त हो जाएगी और सीट आवंटन आपको पता चल जाएगा 19 अक्टूबर को। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग आपको करना है तो 20 से 22 अक्टूबर के मध्य करना है, जो कि काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली होगी जैसे ही, वैसे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे। आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ होगा या काउंसलिंग लेटर पे दिया हुआ होगा क्या क्या अपलोड करना है, किस किस सीरियल से करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो लोग गैप होंगे, जैसे कि 2017 में पास हो गए और 2018 में एक साल गैप हो गया, वो गैप सर्टिफिकेट अवश्य लगाएं। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ज़रूर लगाएं या 100 रुपये का जो भी उसमें नोटिफिकेशन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। क्लियर। अब सिक्योरिटी फीस जमा करने की जो तिथि है 20 से 31 अक्टूबर है। अलॉटमेंट लेटर आपको 20 से 31 अक्टूबर के मध्य मिल जाएगी। क्लियर। और विश्वविद्यालय द्वारा जो भी प्रक्रिया होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपको 1 से 2 नवंबर के मध्य हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर दिया है नेक्स्ट PhD की जो द्वितीय काउंसलिंग है ये भी ऑफलाइन होगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 से 6 नवंबर के मध्य करना होगा। क्लियर। फिर ऊपर आते हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग 12 नवंबर, फिर जो भी यूनिवर्सिटी की प्रोसेस होगी 15 से 16 नवंबर में क्लियर हो जाएगी। फिर नीचे दे रहा है और लास्ट काउंसलिंग, एक विशेष काउंसलिंग, PhD पाठ्यक्रमों की विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग आवश्यकता होने पर। यहाँ पर क्लियर नहीं दे रहा है कि काउंसलिंग होगी, यदि सीटें बच जाती हैं तो फिर काउंसलिंग होगी, अन्यथा की दशा में नहीं होगा। क्लियर। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू।